करते हो तो आपको ड्यूटी चार्जेस देने पड़ेंगे, तो आपको ड्यूटी चार्जेस पे करना पड़ेगा। ये औरंगजेब के फरमान में साफ से लिखा था। एंड दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, और कुछ भी उनके ना पे करने के कारण जो बंगाल में रेवेन्यू इकट्ठा होता था वो इस बार लॉस में रेवेन्यू गया। बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा यू कैन से बहुत बड़ा लॉस हुआ रेवेन्यू का बंगाल को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लॉस हो गया। और ऐसे में यू कैन से हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। और इतना मतलब इतना उन्होंने चुकाने से मतलब ड्यूटी चार्जेस देने से मना कर दिया, और उन्होंने इसके कारण बंगाल को बहुत ही मतलब रेवेन्यू में लॉस हुआ। और यू कैन से बंगाल में जो नवाब मुर्शिद कुली खान थे वो इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे, वो इसके अगेंस्ट क्यों नहीं जा रहे थे, वो इसका प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे, वो इसके अगेंस्ट जा क्यों नहीं रहे थे, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। क्वेश्चन अराइज हो गए, राजा क्यों नहीं बोल रहा है। एंड लोकल बोट ब्रिंग गुड फ्रॉम शिप इन मद्रास। इसमें आपके फिगर 3 में दिया हुआ है कि मद्रास के जो शिप्स हैं उसमें सामान मतलब उसमें बहुत सारे लोड्स किए गए, लोकल बोट्स में सामान लोड किए गए गुड्स को। एंड पेंटेड बाय विलियम सिम्पसन 1867 में। और ये जो फोटो है ये किसने बनाई है, विलियम सिम्पसन ने बनाई है। और कब बनाई थी, 1867 में। एंड हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। हाउ ट्रेड आर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। मीन व्यापार से ट्रेड से हम सिर्फ ट्रेड करने आए थे और यहाँ पे हमने क्या क्या किया, ट्रेड करने के लिए हमारा रीड बढ़ता गया, हम चाह रहे थे टेरिटरी पे भी अपना कब्जा करते चले, रियासतों पे भी कब्जा करते चले और यहाँ के रेवेन्यूज को भी पे ना करें, और इसके कारण क्या हुआ, बैटल्स तक पहुँच गया। बैटल्स मीन युद्ध तक ये ट्रेड पहुँच गया, युद्ध तक। एंड थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। जो स्टार्टिंग में जो अर्ली 18th सेंचुरी था, जो कॉन्फ्लिक्ट था कंपनी में एंड नवाब्स ऑफ बंगाल में, जो कंपनी में और नवाब ऑफ बंगाल में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी बढ़ गया, जो कॉन्फ्लिक्ट था वो काफ़ी बढ़ गया। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ के बाद द बंगाल नवाब एसर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एंड अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। तो क्या हुआ, जब औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो अपनी ताकत को, अपने पावर को शो करने लगे थे, अपने पावर को शो करने लगे थे एंड दिखाने लगे थे। एंड यू कैन से उस समय क्या हुआ कि एट दैट टाइम रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम, जो रीजनल पावर्स थे वो भी अपनी ताकत को दिखा रहे थे, वो भी अपनी जो ताकत को शो करने लगे थे। एंड मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अली वर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। एंड यू कैन से
मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। मुर्शिद अली खान कुली खान पहले मुर्शिद कुली खान थे नवाब बंगाल के, आफ्टर दैट अली वर्दी खान बने एंड आफ्टर दैट सिराजुद्दौला वो नवाब बने बंगाल के, वो नवाब बने बंगाल के। मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट है। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और आफ्टर दैट सिराजुद्दौला नवाब ऑफ द बंगाल, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ द बंगाल। एंड ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये बहुत ही, ये सारे ही बहुत शक्तिशाली थे, स्ट्रॉन्ग रूलर थे, बहुत ज्यादा ही ये स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। सिराजुद्दौला ने आपको कंसेशन दिया था, लेकिन हम आपको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे। आपको अपनी ड्यूटी पे करनी है। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको अपनी ड्यूटी पे करनी होगी। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड, denied it any right to mint coins and stop it from extending its fortification. इन पावरफुल राजाओं ने कई चीजें की, क्या किया? पहले तो उन्होंने मना किया कि हम आपको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, हम आपको कोई भी कंसेशन नहीं देंगे, और अगर आपको यहाँ पे ट्रेड करना है तो आपको हमें यहाँ पे ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, और उन्हें ड्यूटी पे करेंगे। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर कंपनी राइट, और उन्हें कंसेशन देने से मना कर दिया। अगर आपको यहाँ पे व्यापार करना है तो आपको ट्रिब्यूट हमें देना पड़ेगा, और लार्ज ट्रिब्यूट उन्होंने डिमांड किया एंड डिनाइड इट एनी फोर्टिफिकेशन, सॉरी डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन, और डिनाई कर दिया। और जो वो सिक्के बनाते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिक्के मिंट करती थी, सिक्के जो बनाती थी ढालती थी, उसको भी उन्होंने स्टॉप कर दिया, उसको भी उन्होंने रोक दिया, और कहा और स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट फोर्टिफिकेशन। और उन्होंने ये क्या किया, वो जो चारों तरफ किले बन रहे थे, जो चारों तरफ दीवारें बनाई जा रही थी, उनको भी उन्होंने बढ़ने से रोक दिया, उनको भी उन्होंने बढ़ने से रोक दिया। कहा कि अब इससे एक भी ज़्यादा काम कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने चार्जेस पे नहीं करते, और जो हमने रूल्स बनाया है वो आपको फॉलो करना है। और डिराइविंग द accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving, deriving, the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of Nawab और company पर कौन कौन से इल्ज़ाम लगाए गए थे, deceit, धोखाधड़ी का आरोप, धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाया गया कंपनी पर, और उन्हें लगाते और ये भी कहा गया कि उनकी वजह से ही जो बंगाल गवर्नमेंट में कमी आई है, उनकी वजह से ही बंगाल गवर्नमेंट में के बंगाल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कमी आई है। उन्होंने कंपनी पर धोखाधड़ी का मतलब उन्होंने कहा कि कंपनी ने बहुत जालसाजी की है, और दे क्लेम दैट कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब उनके कारण ही कंपनी को बहुत मतलब कंपनी को कहा गया कि आपके कारण ही बंगाल के रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा ही कमी आ गई, आपकी वजह से ही बंगाल की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा कमी आई, और उन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपने जालसाजी की है, धोखा दिया है, और नवाबों को और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है, रेवेन्यू कम होगा
तो हमारे जो नवाब होंगे उनकी अथॉरिटी भी कम हो जाएगी, जो नवाब की अथॉरिटी भी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस मतलब बहुत सारे रेंट पे करने पड़ते हैं। अब कंपनी यू कैन से ह्यूज रेवेन्यू का लॉस हुआ और अथॉरिटी भी कमजोर हो रही थी। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर एंड ट्राई टू इम्यूलेट द नवाब एंड हिज ऑफिसर। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने साफ से रिफ्यूज कर दिया। सम कंपनी ने कहा हम कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे, और उन्होंने जो लेटर्स लिखे डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे थे। एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब, वो ट्राई कर रहे थे ह्यूमिलेट करने के लिए नवाब को और उनके ऑफिसर्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की कोशिश थी उनको डिसरेस्पेक्टफुल, उनकी रेस्पेक्ट ना की जाए, वो ये कह रहे थे। एंड इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल, वो ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट, डिक्लेयर दैट, कंपनी ने अपने पार्ट पे मतलब डिक्लेयर कर दिया दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रिन्यूइंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिन्यूड। कंपनी ने अपने डिक्लेयर क्या किया, कंपनी ने क्या कहा, उनकी कुछ मांगे आने लगी, अनजस्ट डिमांड थी उनकी। अनजस्ट डिमांड कौन कौन सी थी, कि उनका जो ट्रेड है वो बिल्कुल रिन्यू हो जा रहा है, रिन्यू मतलब ख़त्म हो रहा है उनका ट्रेड, बर्बाद हो रहा है उनका ट्रेड, द ट्रेड ऑफ द कंपनी, क्यों उनका ट्रेड बिल्कुल बर्बाद हो रहा है और उन्हें अपने ट्रेड को फ्लॉरिश करना है। अब वो अपने ट्रेड को तभी फ्लॉरिश कर पाएंगे जब ये गवर्नमेंट उनसे ये जो उनसे ये ड्यूटीज नहीं लेगी, ये गवर्नमेंट जब उनसे ये ड्यूटीज नहीं लेगी तब हम अपने ट्रेड को फ्लोरिश कर पाएंगे और कंपनी फ्लोरिश कर पाएंगे। एंड इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट, बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट। और कंपनी की दूसरी क्या बात थी, कंपनी को पूरी तरह से विश्वास था कि उनका व्यापार, वो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, और कंपनी ने कहा कि हम अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ गांवों को खरीदना होगा और दोबारा से मतलब ये जो फोर्ट फोर्टिफिकेशन आपने रोक लगा दी है इसको भी बढ़ाना होगा, मतलब हम अपने ट्रेड को सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इसकी वजह से हमें कुछ विलेजेस को परचेज करना होगा, और विलेजेस को परचेज करके हमें वहाँ पे रीबिल्ड मतलब उन फोर्ट्स को, उन किले को बढ़ाना होगा, उन बिल्डिंग्स को, उन दीवारों को बढ़ाना होगा, किलेबंदी करनी होगी। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली culminated in the famous Battle of Plassey. क्या हुआ, इन दोनों के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, कंपनी और राजा के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, इन मतलब इतने कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे इन दोनों के बीच कि अब एक इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट होते होते बैटल ऑफ प्लासी होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होते होते फेमस है बैटल ऑफ प्लासी, इसके कारण युद्ध की शुरुआत हो गई और दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी की स्टार्टिंग हो गई। एंड बैटल ऑफ प्लासी की स्टार्टिंग हो गई, यू कैन सी द फिगर फोर रॉबर्ट क्लाइव, फिगर फोर कौन सा है, रॉबर्ट क्लाइव है फिगर फोर में। एंड द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में क्या था, अली वर्दी खान डाइड इन 1756, अली वर्दी खान
उनकी डेथ कब हुई थी? 1756 में उनकी डेथ हो गई। एंड सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। जब अली वर्दी खान की डेथ हो गई थी तो सिराजुद्दौला वहाँ के नवाब बन गए। यू कैन से पहले कौन थे नवाब बंगाल के? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद कौन नवाब बने थे? अली वर्दी खान। और अली वर्दी खान की डेथ के बाद कौन नवाब बनने वाले थे 1756 के बाद? सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के। एंड द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर। द कंपनी थी वो बहुत वरीड थी अबाउट हिज पावर। एंड मतलब उनको सिराजुद्दौला की पावर से डर लग रहा था। यू कैन से काफ़ी डर था। और सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसे पपेट को रूलर बनाना चाहती थी जो कि उन्हें कंसेशन दे और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करे। वो नहीं चाहती थी कि सिराजुद्दौला राजा बने, क्योंकि सिराजुद्दौला पावरफुल राजा थे। वो नहीं चाहती थी कि सिराजुद्दौला राजा बने।